सियासी पारा चढ़ रहा है, वैसे वैसे नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले भगवान हनुमान को सियासी मैदान में उतार लिया गया था और अब बाबा भोलेनाथ की भी एंट्री राजनीति में हो चुकी है। सिवनी के बरघाट विधानसभा के कांग्रेस विधायक अर्जुन काकोड़िया ने शंकर भगवान को ही आदिवासी बता दिया और विधायक ने कहा कि समुद्र मंथन से जो जहर निकला उसे किसी और ने नहीं भगवान शंकर ने पिया था जो कि आदिवासी थे। कुछ दिनों पहले विधायक अर्जुन सिंह ने बजरंग बली को आदिवासी बताया था। मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में जहर निकला, अमृत निकला, अमृत तो होशियार लोगों ने पी लिया, अब जहर बच गया, उस जहर का क्या करें? तो उस जहर को भी किसने पिया, किसने पिया? हिमालय में रहने वाले भोले भंडारी, और भोले भंडारी किसको कहते हैं? आदिवासी को तो कहते हैं, आज हर किसी की जबान में तो है। किसने पिया जहर? इस जहर को आदिवासी ने पी के इस संसार को जीवन दान दिया है। और दमोह के स्कूल में हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाए जाने के मामले में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब जो खुलासा हुआ वो तो हैरान कर देने वाला है। दरअसल स्कूल की प्रिंसिपल के साथ दो शिक्षकों ने भी अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, जिसके बाद अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या